पंजाब बोर्ड की 12वीं कक्षा की किताबों में सिख इतिहास से छेड़छाड़ के मामले में अकाली दल और एसजीपीसी का 48 घंटे का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को एसजीपीसी चीफ गोविंद सिंह लोंगोवाल 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे थे। इससे पहले अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल 24 घंटे के धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। अकाली दल के साथ एसजीपीसी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। इस मौके पर लोंगोवाल ने कहा कि सरकार ने बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सिख इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जो शर्म की बात है। आज मेरा रोस धरना है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिता जा रहा है, जिसे साडे श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान तेने गसिंग जथेबंदियां संत समाज होर गुणी ज्ञानी जिन्हें संत समाज सारे बड़ी गिनती दे विच शामिल होए आ। सुबह श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके तुरे सी, सो कल 10 बजे तक असीं इत्थे धरना देवांगे। ये धरने का मुख मकसद जिहड़ा है कांग्रेस की पंजाब सरकार वल्लों जो 11वीं 12वीं के बच्चों नूं सिख इतिहास भेजा गया है लिखिया लिख के, और वो प्रति साडा रोस है कि उस सिख इतिहास नूं बड़ा ही तरोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ, और गुरुआं प्रति जिहड़ी शब्दावली बहुत ही सन्मानयोग शब्दावली वरती गई। मैं समझा कि भद्दी शब्दावली जिहड़ी है उहदे विच वरती गई है। गुरुआं साहब बारे गुरु अर्जन देव साहब मारे जिन्हां नूं असीं शहीदां दे सरताज कहिंदे आ, लोंगोवाल ने सरकार और शिक्षा मंत्री से माफी की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार ने इस मामले में माफी नहीं मांगी तो वो अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। पंजाब की दूसरी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल पंजाब तक।